हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर का पकौड़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर घर पे मेहमान आ गए हैं तो 10 मिनट में बनाए ये फास्ट पनीर का पकौड़ा, जो मेहमान को भी बहुत ही अच्छी लगेगी, और इस तरीके से बनाने के बाद तो और भी टेस्टी लगेगी। तो फिर चलिए इस रेसिपी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक बोल लेंगे, उसमें हम करीब 250 ग्राम पनीर लेंगे, और पनीर को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से कट करना है हम लोग को। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन, चम्मच मीडियम साइज़ का होना चाहिए, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 की क्वांटिटी हम लोग बेसन और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी एक ही रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच टमाटो केचप। अब हम लोग इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल एकदम इस तरीके से हम मैंने यहाँ पे तेल पहले से गरम करके रखे थे। धीमी आंच पे हम पकौड़े को एक एक करके हम धीरे धीरे डालेंगे। देख सकते हैं मैंने इसमें 4 पकौड़े को डाल चुके हैं। अब इसको हम धीमी आंच पे ब्राउन होने तक तलेंगे। बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। हमारा एक साइड ब्राउन हो चुका है, अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए हमारा दोनों साइड पकौड़े ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कलर कितना सुंदर आया है। तो हमारा ये पनीर का पकौड़ा रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर लग रही है, तो खाने में और भी टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ज़रूरी बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।